कृपा करो रघुराए, अब कृपा करो रघुराए। बोलिए सच्चिदानंद की जय। घड़ी की हर घड़ी कह रही है मुझे, घड़ी घड़ी की बीत रही है जिंदगी की एक एक घड़ी। घड़ी की हर घड़ी कह रही है घड़ी घड़ी कि बीत रही है जिंदगी की एक एक घड़ी। हाथ में बांध लो बेशक कितनी भी घड़ी, पर नहीं रोक सकते आप एक एक। इसलिए एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से बुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध। एक बार सब लोग हाथ जोड़ें, एक बार दाएं और प्रणाम करें, एक बार बाएं और प्रणाम करें, एक बार ऊपर की ओर प्रणाम करें, एक बार नीचे की ओर प्रणाम करें। ये मैंने इसलिए निवेदन किया कि ये मेरा दृढ़ विश्वास है कि हनुमान जी महाराज कहीं ना कहीं गुरु रूप में हमारे साथ बैठे। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। ये मेरा हनुमान जी पे भरोसा है। क्यों? क्योंकि वो जो कहते हैं वो सत्य है। और उन्हें क्या कहा है? यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतम सिंधकांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिं नमत राक्षसान। तू ही मेरी पूजा। जहां जहां भगवान का कीर्तन होता है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कर्त मस्तिका अंजलि। जहां जहां भगवान का कीर्तन होता है हनुमान जी बैठते हैं और तीन भाव से सत्संग सुनते हैं। हनुमान जी सत्संग सुनते हैं ना, राम चरित सुनवे को रसिया। तीन भाव से सत्संग सुनते हैं। और मैं संतों के सानिध्य में निवेदन करना चाहता हूं, तो तीन भाव क्या है आप अपने आप सोचना कि जब हम सत्संग में गए तो हमारे पर कितनी कृपा हुई। सत्संग सुनते सुनते एक ध्यान विद्या जिसमें आप एकांत में अनमन के अंदर जाते हैं, फिर साधना है, फिर सेवा है, वैसे एक सत्संग है जिसमें हम सामूहिक रूप से नाम कीर्तन करते हैं, जपन करते हैं। जब हम सब मिलकर साथ साथ जपन करते हैं तो उसकी एक वाइब्रेशन बनती है, वो इतनी पॉजिटिव दिव्य वाइब्रेशन होती है जो चारों तरफ वातावरण को शुद्ध पवित्र और सात्विक बनाती है। इसे सत्संग की महिमा है। ये तो हर एक व्यक्ति अकेले भी कर सकता है, अकेले में एकांत साधना होती है। पर हमारी सनातन संस्कृति में परमात्मा को पाने के बहुत सारे माध्यम बनाए, वो किस लिए कि जो तुझे पसंद है उसे अपना ले, जो तुझे पसंद है अपना ले। एक संत के पास साधक ने एक चिट्ठी भेजी और प्रश्न किया कि नाना नाम भगवंत के सब एक से एक परे, एक नाम बता दीजिए जासे अधम करे। इतने सारे देवी देवता, इतने सारे इष्ट, हमें तो एक नाम बता दो, किसको ध्यान किसको नहीं दें, एक नाम बता दो। तो प्रश्न क्या है? नाना नाम भगवंत के सब एक से एक परे, एक नाम बता दीजियो जासे अधम तरे। संत ने भी पत्र का उत्तर दिया, संत ने भी पत्र का उत्तर दिया और वो आपको याद कर लेना है। प्रश्न क्या है पूज्य श्री? एक साधक ने प्रश्न पूछा संत से कि नाना नाम भगवंत के सब एक से एक परे, एक नाम बता दीजो जासे अधम तरे। तो संत ने भी जितेंद्र भाव से ज्योति जागृत करी, ध्यान लगाया और क्या कहा कि नाना, प्रश्न पूछा किसी साधक ने कि नाना नाम भगवंत के सब एक से एक परे, एक नाम बता दीजो जासे अधम तरे। तो संत ने उत्तर दिया, नाना नाम भगवंत के सब एक से एक परे, पर जाकी जा में लगन है वैसे ही अधम करे। आपकी जिस एक नाम में लगन है, एक सदे सब सद जाए।
तो तीन भाविक सत्संग में आ जाएं। प्रथम भगवान का कीर्तन सुनते सुनते आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। हैं? दूसरा, भगवान का नाम कीर्तन करते करते आपके आंसू से वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम, आपके नेत्र अश्रु से कृपा से भर जाएं। और भगवान का नाम कीर्तन करते करते आप मीराबाई की तरह, चैतन्य महाप्रभु की तरह मगन हो जाएं। है ना? तीन। एक छोटा सा बच्चा घर में जन्म लेता है, दादी को परिवार को कितनी खुशी होती है, खुशी होती है ना? तो हमारे भवन का तो 60वां वर्ष है, ये अत्यंत हर्ष होना चाहिए और निरंतर बढ़ रहा है। चलें एक गुरुपद गाते हुए, उसके बाद हनुमान चालीसा से विश्राम की ओर बढ़ेंगे सब साथ मिलकर। तू ही मेरी पूजा, तू ही गोविंद, भाव सहित गुरु चरणों में समर्पित कर। क्या कह रही है? बंदो गुरु पद पदुम परागा, बंदो गुरु पद पदुम परागा, सुरचि सुवास सरस अनुरागा, सुरचि सुवास सरस अनुरागा।
गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंत। आज तो बधाई बाजे, 60वां वर्ष है। मैं एक बार बोलूंगा बधाई, आप दो बार बोलना। 60वें वर्ष की गुरुदेव को बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। कुछ लोकाचार भी करना चाहिए ना, है व्यवहार की रीति है। और देखो भाई बहन, अभी तक कुछ लोगों को लगेगा कि बार बार हमसे बुलवाते हैं। मैंने केवल इसलिए निवेदन किया कि आज इस कक्षा में हमको सबको फर्स्ट आना है। दूसरा बात, सुमिरन कर, सुमिरन कर, सुमिरन करने से तकदीर बदलती है। भजन का लाभ क्या है? मैंने केवल आपसे इसलिए बुलाया कि ना जाने किसकी आवाज वहां तक पहुंच जाए। सुमिरन कर, सुमिरन कर, सुमिरन करने से तकदीर बदलती है। किसी की अभी बदलती है, किसी की बरसों में बदलती है। तुमने तो आज ही बदलवानी है, आज ही वो कृपा करानी है कि जब यहां से बाहर भी जाएं तो हमारी डोर कभी टूटे नहीं, वो जुड़ी रहे। इसलिए 60वां वर्ष है, मंगल में विषय है, तो सब मिलकर बधाई दें संत को। और यहाँ पे सभी देवी देवताएं हैं, उनको नमन करें। और क्या गाएं? आज तो बधाई बाजे गुरु भवन में, आज तो बधाई बाजे गुरु भवन में, आज तो बधाई बाजे रंग महल में, आज तो बधाई बाजे रंग महल में, रंग महल में, रंग महल में, रंग महल में बाजे, रंग महल में, रंग महल में, रंग महल में बाजे, बाजे। आज तो बधाई बाजे रंग महल में, आज तो बधाई बाजे रंग महल में, कृपा करके गुरुवर आए रंग महल में, कृपा करके गुरुवर आए रंग महल में, भक्ति जनों पे कृपा बरसाए रंग महल में, भक्ति जनों पे कृपा बरसाए रंग महल में, गुरुवर जी की कृपा होवे भक्तों के मन में, आज तो बधाई बाजे रंग महल में, आज तो बधाई बाजे रंग महल में। गुरु कृपा किसी को छोड़कर कहीं नहीं जाती, वो हमेशा रहती है आपके मन में विचार बनकर, आपके मन में सत्य बनकर, और आपके मन में प्रेम बनकर। इसलिए ध्यान रखना, जो कुछ अच्छा हो सकता है उन गुणों को ग्रहण कर लें। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। इतना साहित्य है ध्यान से जुड़ने का, योग से जुड़ने का, और पूरे विश्व के साथ अपने आप से जुड़ने का मार्ग दिखलाते हैं। इसलिए हृदय के साथ गुरुदेव तुम्हारी जय होवे। गुरुदेव तुम्हारी जय।